नमस्ते। पार्ट 8 यानी लेसन 8 वे दिन भी क्या दिन थे, इस पार्ट का आज हम अभ्यास कार्य पढ़ेंगे। सबसे पहले अंग्रेजी में अर्थ यानी इंग्लिश मीनिंग, उत्सुकता यानी क्यूरियासिटी, विषय 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 सब्जेक्ट, पृष्ठ प्रिष्ठ पृष्ठ यानी पेज, पुस्तक 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 बुक, कहानी 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 स्टोरी, नियमित रेगुलर नियमित नियमित रेगुलर, रोज रोज डेली रोज डेली, डिब्बा डिब्बा डिब्बा, बॉक्स रफ्तार 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 स्पीड, सबक 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 लेसन। अगला है शब्दार्थ। अब हम शब्दार्थ पढ़ेंगे यानी हिंदी मीनिंग्स पढ़ेंगे। उत्सुकता 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 को हम जिज्ञासा जिज्ञासा भी कहते हैं, जिज्ञासा जिज्ञासा उत्सुकता जिज्ञासा। उसके बाद है अध्यक्ष 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 यानी प्रधान हेड, उत्सुकता जिज्ञासा क्यूरियासिटी जिसे हम पढ़े थे। नेक्स्ट है अध्यक्ष यानी प्रधान हेड। उसके बाद है रफ्तार 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 गति, रफ्तार मीन्स गति यानी स्पीड। उसके बाद है आनंद 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 सुख प्लेजर आनंद सुख। उसके बाद है पुरजे 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 यानी हरेक हिस्सा पार्ट्स जिसको बोलते पुरजे पुरजे हरेक हिस्सा पार्ट। सबक 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 मीन्स पार्ट लेसन। संभव स इम्भव संभव मुमकिन 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 मीन्स पॉसिबल संभव। नेक्स्ट है पृष्ठ प्रिष्ठ पृष्ठ पृष्ठ मीन्स पन्ना प इन्ना पन्ना पेज। नेक्स्ट है सामग्री 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 मीन्स सामान थिंग्स जिसको बोलते हैं सामान सामान। नेक्स्ट है बिन बी इन बिन अलग अलग बिन मीन्स अलग डिफरेंट। आयु 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 मीन्स एज उम्र उम नीचे जो है र उम्र। उसके बाद है विशेष 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 यानी खास विशेष खास। अगला है हमारा पर्यायवाची शब्द। पर्यायवाची शब्द अभी हम देखेंगे, जैसे ग्रह ग्रह को हम घर भी कहते हैं और फिर सदन ग्रह घर सदन। ग्रह को हम क्या कहते हैं, घर और सदन यानी हाउस। नेक्स्ट है माता माँ माँ को हम क्या कहते हैं, माता भी कहते हैं और फिर जननी माता जननी। उसके बाद है सूरज 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 यानी सूर्य दिनकर सन सूरज मीन सन सूर्य और दिनकर भी हम इसे कहते हैं। नेक्स्ट है स्कूल स्कूल मीन्स विद्यालय 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 और फिर पाठशाला 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 विद्यालय भी बोलते हैं स्कूल को और फिर पाठशाला। उसके बाद है अध्यापक 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 मीन्स टीचर शिक्षक 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 और गुरु गुरु गुरु। नेक्स्ट है बेटी 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 को पुत्री और फिर तनया पुत्री पुत्री। उसके बाद तनया तनया ये है हमारा पर्यायवाची शब्द। और नेक्स्ट है विषयों के अंग्रेजी में नाम, जैसे सब्जेक्ट्स है ना उसको अंग्रेजी में हिंदी में क्या कहते हैं देखते हैं। यहाँ पर देखो फर्स्ट वन है भूगोल 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 मीन्स हाँ ज्योग्राफी भूगोल ज्योग्राफी। उसके बाद है अंग्रेजी आ इंग्रेजी अंग्रेजी मीन्स इंग्लिश ये तो आप सब जानते हैं ना, अंग्रेजी में अर्थ हम पढ़ते हैं ना अंग्रेजी मीन्स इंग्लिश। उसके बाद है इतिहास 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 मीन्स हिस्ट्री इतिहास हिस्ट्री। उसके बाद है गणित 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 मीन्स
मैथमेटिक्स, गणित मैथमेटिक्स। उसके बाद है विज्ञान, विज्ञान, विज्ञान मीन्स साइंस, विज्ञान साइंस। और अगला है शब्दों को शुद्ध कीजिए। यहाँ पर जो शब्द होगा उसे हमें सही करके लिखना है, यहाँ पर गलत लिखा होगा और उसे हमें सही करके लिखना है। जैसे यहाँ पर देखो विद्यार्थी, विद्यार्थी का स्पेलिंग यहाँ पर गलत है और यहाँ पर हम लिखेंगे इस प्रकार विद्यार्थी, ठीक है। यहाँ पर विद्यार्थी देखो, यहाँ पर देखो स्पेलिंग गलत है ना विद्यार्थी का, और यहाँ पर देखो विद्यार्थी, दिस इज करेक्ट। ओके वाह, नेक्स्ट देखो यहाँ पर अध्यापक ऐसा लिखा हुआ है, लेकिन अध्यापक हम कैसे लिखेंगे, अध्यापक, अध्यापक, सो ये करेक्ट है। उसके बाद देखो स्कूल, स्कूल, स्कूल लिखा हुआ है, लेकिन हम स्कूल कैसे लिखेंगे, स्कूल, स्कूल। उसके बाद देखो सामग्री, सामग्री लिखा हुआ है ना, इसे हम मिट देते हैं। सामग्री, सामग्री को हम क्या बोलते हैं, सामग्री, सामग्री लिखा हुआ है ना, सामग्री। स्पेलिंग यहाँ पर देखो घी यहाँ पर ऐसे है और यहाँ पर घी ऐसे लिखा हुआ, बड़ी की मात्रा। और यहाँ पर ग्रह कार्य, ग के नीचे दिस रहा है और यहाँ पर ग्रह रू है, यहाँ पर ग्रह कार्य, दिस इज करेक्ट। ओके नेक्स्ट देखो विशेष, विशेष, और यहाँ पर विशेष में कौन सी सा है और यहाँ पर सा कौन सा है, देखो विशेष, विशेष। ओके और नेक्स्ट है गति, गति का मतलब क्या है, गति, ती लिखा हुआ है, ती ऐसे, लेकिन गति का ती छोटी की मात्रा आएगा, तो यहाँ पर देखो ये सब करेक्ट है और ये सब गलत है। स्पेलिंग अच्छी तरह से पढ़ लो तभी आप इसे सही करके लिख पाओगे। और अगला है हमारा प्रश्नोत्तर, प्रश्नोत्तर का मतलब क्या है, क्वेश्चन आंसर, गुड। यहाँ पर देखो वे दिन भी क्या दिन थे, कैसी कथा है, वे दिन भी क्या दिन थे, एक ऐसा स्टोरी है विज्ञान कथा, यानी एक साइंटिफिक स्टोरी है ना, विज्ञान कथा। नेक्स्ट क्या है, पाठ के लेखक का नाम क्या है, इस पाठ के लेखक, हु इज द राइटर ऑफ दिस स्टोरी, कौन है, आइजक असिमो, इस पाठ के लेखक है आइजक असिमो। नेक्स्ट देखो कुम्मी ने अपनी डायरी कब लिखी, कुम्मी ने अपनी डायरी कब लिखी, 17 मई सन 2155 की रात, कब लिखी कुम्मी अपनी डायरी, 17 मई सन 2155 की रात। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कुम्मी ने अपनी डायरी में क्या लिखी, कुम्मी अपनी डायरी में क्या लिखी, रोहित को मिले पुस्तक के बारे में लिखी, कुम्मी अपनी डायरी में रोहित को जो बुक मिला है उस बुक के बारे में लिखी है। और हमारा नेक्स्ट है रोहित को पुस्तक कहाँ से मिली, वेयर डिड रोहित गेट द बुक, कहाँ से मिली रोहित को पुस्तक, रोहित को पुस्तक अपने घर के पुराने डिब्बे से मिली, रोहित गॉट द बुक फ्रॉम द ओल्ड बॉक्स ऑफ हिज हाउस, रोहित को पुस्तक अपने घर के पुराने डिब्बे से मिली। और हमारा नेक्स्ट है रेखांकित शब्दों के विलोम लिखिए, यहाँ पर जो अंडरलाइन किया हुआ है जो वर्ड उसका हमें विलोम शब्द लिखना है। तो इसके यहाँ पर फर्स्ट क्या है, कितना उबाऊ होता है या सारा स्कूल का काम, हाउ बोरिंग इज ऑल दिस स्कूल वर्क, यहाँ पर उबाऊ का मतलब है बोरिंग, ठीक है। तो उबाऊ का ऑपोजिट यानी विलोम क्या है, मनोरंजन, उबाऊ का विलोम क्या है, मनोरंजन, उबाऊ मीन्स बोरिंग, मनोरंजन का मतलब क्या है, एंटरटेनमेंट, ठीक है, उबाऊ का ऑपोजिट मनोरंजन। और नेक्स्ट है हमारा मशीन की ग्लोब की चक्की तेज रफ्तार पर थी, तेज मीन्स स्पीड, तो यहाँ पर इन द मशीन, मशीन का जो चक्की है वो बहुत स्पीड था, हाई स्पीड में था, तो तेज मीन्स स्पीड, तो उसे इसका ऑपोजिट क्या है, तेज का ऑपोजिट धीरे, तेज मीन्स स्पीड, धीरे मीन्स स्लो, तेज धीरे। और हमारा नेक्स्ट है पुस्तक में वर्णित स्कूल भी भिन्न थे और उनका शिक्षा प्रदान करने का तरीका भी, द स्कूल्स डिस्क्राइब्ड इन द बुक वेर ऑल्सो डिफरेंट एंड देयर वे ऑफ इम्पार्टिंग एजुकेशन, वहाँ पर
सब भिन्नता, तो भिन्न का ऑपोजिट है अभिन्न, आ डाल के हम भिन्न, भिन्न मीन्स डिफरेंट, ठीक है अभिन्न। नेक्स्ट देखो, टेलीविजन की तरह के पर्दे के सामने बैठकर रोज हमें सब याद करना होता है। टेलीविजन के सामने के पर्दे में बैठकर उन्हें रोज क्या पढ़ना होता है, लेसन्स को पढ़ना होता है। तो टेलीविजन के सामने, सामने मीन्स इन फ्रंट ऑफ, सिटिंग इन फ्रंट ऑफ द स्क्रीन लाइक टेलीविजन, वी हैव टू रिमेम्बर एवरी डे। वहाँ पर बैठ कर डेली क्या करते हैं, रोज मीन्स एवरी डे, डेली सब कुछ अपना पार्ट याद करते हैं, अपना लेसन भी याद करते हैं। सामने इन फ्रंट ऑफ, उसका ऑपोजिट क्या है, पीछे बैक, ठीक है सामने मीन्स फ्रंट, पीछे बैक। और नेक्स्ट है, वही मशीन हमारी परीक्षा लेकर हमें आगे पढ़ाना आरंभ कर देती है। At the same time, the machine takes our exam and start teaching us further. तो फिर से हमें पढ़ाना आरंभ कर देती है। आरंभ means start. उसका opposite क्या है, अंत, यानी finish. Start, finish. Okay? और next है खत्म, ठीक है मैम। इस lesson को आप अच्छी तरह से पढ़ लीजिए और अपनी notebook में तो लिख लिए होंगे, है ना, इसे अच्छी तरह से पढ़ लीजिए। धन्यवाद।